राम तुम्हारी याद में कलमा कलाम भूल गए, नमाज पढ़ लिए मगर सलाम भूल गए। तो मर्द वही कहलाता है जो मातृभूमि पर मरता है, जो मर्द मौत से डर जाए रंडी का भड़ुआ होता। वीर रस गाथा है। इस कहानी का निष्कर्ष होगा क्या कि टारे ना टरी और टोर नो टरी, करम गति टार ना टरी, जुटी है दुई रुलहा रही कर दू रहनिया जय मलवा। चार जन्म अभिमन्यु लिया था, चारों में वह था। पहला जन्म लिया रावण घर, मारा लखन लाल को बाण। दूसरा जन्म लिया अर्जुन घर, जिसका अभिमन्यु था नाम, 16 साल की उम्र में तोड़ा द्वार। तीसरा जन्म लिया नैनागढ़, जो मिर्जापुर के जिले में चुनार यतनी वक्त बाए, और काली नरमन नाम उसका था रुदल से गतल। चौथा जन्म लिया मोहबा में, जिसका इंदल सिंह हुआ नाम। मोहबा में जन्म लिया, आल्हा का बेटा होकर के सोना रानी की गोद में पैदा हुआ, तो उसकी शक्ल कैसी थी, उसके शक्ल का झांगुड़ झांगुड़ बारवा लीला रवा पबीहर हो ललनवा सुंदर, हो ललनवा सुंदर ना उक नकुरा सुगन कठरवा, ललनवा सुंदर ना ललनवा नकुरा सुगना कठरवा, ललनवा सुंदर ना। हाय हाय दूधवा कदतवा नाही टूटलो जवन हो सुमनवा सुंदर ना, लौके गाजा भार छटिया सुमनवा सुंदर ना। जब 12 साल का बालक हुआ थे, घटना घटती है जेठ दशहरा की, पर भी हुई दुनिया करन चला स्नान, जितने वीर रहे मोहबा के वीर ठुर कर न चले अस नान। कौन कौन वीर चले, उन वीरों का नाम है रुदल डेभा माहिल सैयद इंदल खुन खुन कोईरी मदन गड़ेरी लला तमोली रूपन बादी उन्नन फुन्नन यौदल थम्भन बेटा यली भेद सुल्तान यदो घमंडी कोणहर वाले नवसै गणसन कै सरदार बौना चोर रहा कुरियल कै नवसै गाकुन कै सरदार। बार भैया एक सांस में ही संस्कृत माचत हुए, लेकिन देखें कड़ा पानी के मर्द होते हैं और मीठे पानी की भी मर्द होते हैं। ये मीठे पानी के मर्द हैं, कड़ा पानी के मर्द जौन होलन उ भाई साहब केहू कुछ कह देला तो लग जाले, लेकिन मीठ पानी के मर्दे के औरतियों 10 गाड़ी दे दे तो ही कह के हटा लेला वही में। देख लें ये हमारे ऊपर कहत हुए तीन के ऊपर एक छंद याद कि यान के घरे के बड़े रटेड़ देख हंसे अपने खड़हरोप छनियों छावे। आन के घरे के बड़े टेड़ देख हंसे अपने खड़हरोप छनियों छावे, आन के सिखावे कि मदिरा मांस खाए हो लनास अपने तो मुर्गा के अंडा चबाले। भाई साहब इतना कहने पर ही मुस्कुराए नहीं, तो 40,000 रुपये की इनाम है, कोई हंसा दे पूरे विश्व में। लेकिन दास्तान सुने अरे राम, जब इतने वीर बीठुर में पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर घटना क्या घटी। अरे
जोर अरे रमनगीनिया बन के, अरे रमनगीनिया बन के मारा लासी जादू आकाबा मार की इंदल को चुरा लेती है पन्ना रानी तो आल्हा से आकर के माही चुगलखोर चुगली कर देता है कि आल्हा तेरे बेटे को रुदल काट के गंगा में फेंक दिया। रुदल को आल्हा बान की इतनी मार मारे भाई साहब मरा समझ के जंगल में फेंक दिए थे, ऋग दुर्वासा साथ दिए तो जिंदा हुए रुदल बलवान। 6 महीना मुसीबत उठाए और बन के भिखरिया घुमले बावन घर नगरिया हो की साज सकार बबुआ साज सकारे ना रोवत खोजे अपन सुमनवा बबुआ साज सकारे बबुआ साज सकारे ना बबुआ साज सकारे आ खोजत रोवत खोजे ललनवा बबुआ साज सकारे पावल सुमनवा गुंजरा तेजा भावनवा हो की सरकारे ना पनवा संग घुमली भवरिया बबुआ साज सकारे। भाई साहब पन्ना रानी के संग इंदल की शादी करके रुदल जब महोबा में लाए हैं तो इंदल सुहाग रात मनाने के लिए आंगन में नहीं जाता, अपनी दुल्हन से मुलाकात करने के लिए नहीं गया। प्रेमियों क्यों? उसे गम भारी कि बैरन बन गई मेरी नारी, जादू मार चुराया मेरे चाचा को मरवाया। इसी गम से दुल्हन के पास नहीं जाता है, यहां तक कि उसकी माँ आंगन में बैठी थी, माँ को सलाम करने के लिए बालक नहीं जाता है। तो 1 महीना हो गया तो सोना रानी जो महतारी इंदल की थी आंगन में भोजन बनाती है। इन रुदल करने को भोजन आंगन में जब पहुंचते हैं तो सोना रसे रसे बोंबे ना रही रसे रसे बेनवा सोनवा डोलावे नाजुक नयन बही के कजरवा ये चरवा में चूए अचरवा काला सुरुख परी। अरे रुदल की नजर पड़ती है, तुमने भाभी से पूछ रहे हैं रुदल का तरजू है वा कि हमारी भौजी बता द भौजी को है बारस नारानी अपने देवर से बतला रही है। देवर आप नहीं जानते मेरे दिल की बात, बतला दूं? कहा बताओ। तब सोना रानी बड़ा दर्दनाक बात कहनी का कि देवर अरे बपवा के कले जवा हो कठोर तन की होला माई के कले जवा होला दूधा गदारी भैया। उस समय उदय सिंह कहते हैं कि भाभी रो मत, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जा रहा हूं, मैं बेटा इंदल को भेज दूंगा। पान चबाए हैं, तलवार उठाए हैं, जब बंगले में पहुंचते हैं तो बंगले में क्या देखते हैं कि बड़े बड़े जवान जोमी के माथे एक से एक दयु के लाल मोछा रोइया गदा पचीसी गभरू 20 बरस के जवान रंडी मुंह सपनों ना देखे मद से भरे रहे दिन रात ऐठत कै सुरमा लोग निकले हथवा माजत कै तलवार राम के दिनवा कहिया लौटी पंजा रेल चली तलवार बुढ़वे बुढ़वे तेगा माजी लोह झर जाए कदरा कहा बाबू झगड़ा मचौता तनी दुई हाथ चलत तलवार बैठे बैठे तोनी आई जाए मुर्चा खाए गई तलवार तबले बेदुला के चढ़वैया पहुँचे अर्जुन के अवतार नास्तवा अब की होती है लौंडे नचे या गरे वाल दिदिनिक तबला बाजे क्या हरी ब्यों ब्यों करे सितार किन 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 जोड़ी बाजे रंडी नाच रहे
कही दिखलाए छोट फतुरिया कब छैया यस भल चुट कृपा तोरे कान कंचित पाँव धरे जा जिम्पे के तने तरस तरस मरी जाए। वाह सबसे ज्यादा थी बुढ़ऊ तरसत रहे बार भैया लेकिन नाच देखले में रुदल भुला गईले हो इंदल के ना भेजले जब एक घंटा सुनवा गोर लड़स लड़िका ना आयल भैया तेक लौड़िन के भेज दलस लौड़िन जाए कि इंदल बाबू कहे कर कहले हे रे इनला तोरी महतारी बोलावत बाय अरे तो बियाह के आयल हल दूसरे समाज के अंदर हल तीसरे वीर रहल लौड़ी नौकर की जात हो करके जब इंदल का नाम तुकारा है तो गर्जल से रवाक बाबू तरपल से रवा हो राम तरपल से रवा लेके हाथवा में तेगा गर्जलवा के मात काट लो ये ससुरी कैसो धैना मली हसररिया भरी समाज में ना रेरिया ले एक इलाज तनी कहो ना लाइके तेगा इंदल झपटा लौड़ी जौले चली पराए खोखती हां पति ने पति भागत जज्जु हरि से भगे सियार जाए बतावे रनी सोना से बहिनी जनवा ले क्यों बचाए ना रेरिया दी हल लड़का कहतेगा लेके आवत बाए सुनवा कहे कोठरिया में शिव जो माय लड़का के लेबू मराए लौड़िया कोठरी छिप गए तबले जुटाई नल नौजवान बारी ठड़ी रही मारी इंदल लाइके किया सलाम दिया धुमाए माता सोना झुक झुक जिया कधैया लाल अरे मेरे लाडले बहुत देर से भोजन बना करके तेरी इंतजार कर रही है माँ भोजन कर ले माँ को सलाम करते हुए इंदल कहता माँ जब तक उस लौड़ी का गर्दन नहीं काटूंगा पानी पीऊंगा तो गाय का खून पीऊंगा अन्न खाऊंगा तो गऊ की मांस खाऊंगा सोना कहती है बेटा इतनी कसम खा रहे हो क्या गलती उसकी है इंदल कहता है कैसी लौड़ी भेज दिया भरी समाज में कहती कहरी लला तो सोनवा रानी समझ गई कि एक इंसान का जान बच जाए तो सौ झूठ बोलने में कोई पाप नहीं होता है सोना झूठ बोली बेटा पद में तेरी मौसी है इंदल कहा किस कौने नाते मौसी है तब सोनवा बतावे कि जौने दिन डोलिया मुरनई हरवसी आईली हो दस ठे लाउड़िया आईली साथ और नई हर के नाते ही रवा बहिनी मुरला गई मौसी का नतवा पहुंचे भाई अरे उस समय इंदल क्रोध में लाल होता है माँ के ऊपर तेगा तान के कहता है क्या अरे मतरिया पगली अरे मतरिया पगली मरी मतरिया पगली रे मतरिया पगली बोरली पुरखन का पगलिया नौकर चाकर मौसी मौसा काकी काका लगाए हमार ऐसन शब्द फिर मत बोली हो नहीं बिन कोट छोड़ न गर्दन तुर मतरिया पगली बोरली नाना कई पगारी बोली महतरिया बचवा बल करिया सुनाया राजी यही हमार मेरे बेटा तीन बार भगवान माफ कर देते हैं तुम इंसान हो माफ कर दो आइंदे गलती नहीं करेगी वो लौड़ी माँ के कहने पर आधा क्रोध हृदय में सुलग रहा है आधा खत्म कर देता है कि मान के कहनमा कर लो भोजनमा कबो पैबो तो बिना गर्दनमा कटले ससुरो के छोड़बो ना पहला कर उठोले दूसरा कर नहीं उठता है थाली पर देता है और कहता माँ कौन फुहरिया भोजन बनौले गलिया में नमक ढेर कहवाए और जमना बनौले के सहुराओ न रहले तो कतके भोजनवा मोरा दिया है बिगार सोना रानी भोजन बनाई थी माँ के मुख पर
किंदल बेटा जब गाली दे दिया तो सोना रानी क्रोध में लाल होकर के कहती है, इतना विसनी तुम्हारे उदय सिंह भोजन करके गए अभी कुछ नहीं कहे, इतना विसनी दादा तुम्हारे कुछ नहीं कहे, तुम मेरे तनख से जन्मे हुए, मेरे ऊपर गाली दे दिया और भोजन में दाग लगाया है तो सुन ले, कहिया से तू विसनी हो गयो, कहिया सिखो ढाल तलवार, अरे ऐसा ये विसनी तू बचावा यो होता तो तू चली जाता संगला दी, अरे लाड़ा खिली उठा बेटा सिरिया नाग का तुझे कर पद्मावती है राय, जन के चली यो अपा भवारा ये गूंज तो नित उठाया वे बेली के बास, जब माँ ऐसा मार दिया तो बालक के कलेजे में लग जाती है और उसी समय वह 12 साल का छोकरा प्रतिज्ञा करता है माँ के सामने, गंगा का पानी लेकर के साक्षी गंगा को बना के कसम खाता है कि असल बाप का बेटा होगा, डोली ला के देगा दिखा, अगर दोगला बेटा होगा फिर दिखा के आएगा, लेकिन माँ तेरे तन से मैं पैदा हुआ, लेकिन आखिरी सलाम चलते चलते आखिरी सलाम ले ले माता, अब तो टूट रहा तेरे लालन जी से नाता, ये कह के बालक चलता है और फिर कहता है कि माई मोरे को पूरा पिबानी देखो फाना, चल देता है भाई साहब, जब बंगले में चलता है उस समय रूदल के पास जाकर के बैठ जाता है और टप टप आंसू आ रहा है और सोच रहा है, ललन रही रही करे गुननवा बल बल बर सही हो नया नवा, जैसे बर सही हो सावा नवा, हाय माया ना मिली है कीड़ा है। बालक ये सोच रहा था, उदय सिंह की दृष्टि पड़ती है और कहते, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, इसका कारण क्या है? इंदल कहता, चाचा पहले बता दीजिए आप मर्द हैं कि औरत हैं, अगर औरत हो तो नहीं कह सकता, मर्द बनते हो तो कहूं। उदय सिंह क्रोध में लाल होता है और कह देता है बहादुर, अरे पूरम मारा पूर्व पाटन ले, पश्चिम मारा भर पंजाब, तीन खंड नेपाल हिलाया है, दक्षिण मारा बिंद पहाड़, मेरा जोड़ा कोई ना सृजा जो भर पेट चले तलवार, इतने बड़े वीर को बेटा तुम कैसे औरत दिया, क्या चीज की कमी है बोल। इंदल समझ गया कि चाचा साथ देगा जब इतना कसम खा रहा है, तब इंदल रो रो के कहे लगले, का कहूं कि माई हमारी हमके तनवा के मुरली संगल दी पुव के मजई बहुम दे चाचा, साथवा पूरा दा डोली गोरिया के आनी देता, पूरा कई दा दिल को रुमन ये चाचा, अरे रे बाप तबले गड़बड़ा हो गए तो रूदल के दाबे 90 डिग्री बोखार, सुन के न मामा तो सना लदी रूदल मुड़ी नीचे लटका ले। इंदल कहे, काहो चाचा गुंग हो गईला बहिर हो गईला, रूदल खोखी काखी के बोल रहे, ई गढ़ मुरे मान के कहे कि सात समुंदर पर वह बस्ती जो बस गयो संगला दीप, सात कोसले भुई दलदल है चिड़िया बैठे यो धस जाए, सात कोस सांफन के पहरा दिनिया छत सब जाए चबाए, सात कोस डाइन के पहरा तिक्के तिक्का लिहे उचार, ओकरे बाद जादू कुमारी हो ओकरे बाद तेगा के मार, 22 बरात गई भारत से यको बरतिया लौटे ना, अगुआ बांधे दरवाजे पे समझी खाए बांस के मार, मूड़ काट के सब दुल्हन के योता खापे धैल झुराए, कठिन मिलन है पद्मवती के गढ़ मोरे मान के नाए। इंदल कहले, चाचा यही जोर पकड़ जात रहला,
कि इंद्र कुबेर वरुण से लड़ब। और नाम सुन के संगलदीप कहे तेरी छूट गई तलवार। अरे चाचा नाहक जन्म लिया मर्दे घर, पगड़ी बांधन के धिक्कार। बिटिया होई के लड़की होई के जन्मल होता, क्यों मर्दे संग होत बिया। दई के काजल टिकुली बैठता, कोने बैठ मिजौता गाल। रूदल कह मै गलवै मिजई बोसान में जान गवै बोला। अरे केतना पानी हम के धरई बा, तो पनिया में जवनिया हम लूटई बेला। तब यकेल सरवा और यकेल सिर बांधे सर पे कफानवा। यकेल सरवा बांधे सर पे कफानवा। यकेल सरवा जब सर पे कफन बांधते हैं तो बहादुर कैसे चलता है, तर्ज है। लेकिन तर्ज का नमूना हम नहीं बताते, सिर्फ गाना की धुन बना देते हैं। और स्वयं स्वयं सुनिए। अरे निकला मोबल से पट्ठा सीना को तान के। आय हाय। निकला मोहबा से पट्ठा सीना को तान के। निकला मोहबा से पट्ठा सीना को तान के। अरे गर्दा में चादू चल के दुश्मन के का जुझारा। बहादुर जब चल देता है माँ के ताना पर दुल्हन लाने के लिए, तो उसके हाथ में क्या क्या शोभा दे रही थी और उस शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अरे कफनिया, तर्ज है पूरन का हो भाई साहब, तर्ज नहीं बतलाएंगे, गाना बतला देते हैं। अरे कफनिया सो है शेर मथवा बैठा। सिर मथवप सिर मथवा पे। अरे धानू ही चला है वीर, जब रास्ते में सोचता है कि मलखान चाचा मेरा भीम का अवतार है, हजार का बल है, साथ देगा। जब मलखान के पास सिरसा में पहुंचता है, सिरसा गढ़ में, तो मलखान भी इनकार कर गया। तो अकेले अर्धरात में समुद्र के तट पर पहुंचता है बालक। जब समुद्र का धारा लहर मारा है, एक किनारा नहीं दिखाया, न कोई नाव न बेरा दिखाया, तब सहारा उसका टूट जाता है। तब बालक रो रो के सोचता है क्या कि कैसे जाऊं मोहबा मामारे गीताना। कैसे जाऊं मोहबा मामा रे गीताना। अरे ऐसे अच्छा समुद्र में कूद के मारे जाना। कूदने के लिए तैयार होता है, उसे इतने में भगवान अक्लु अमर साधु हिमालय पर्वत की चोटी पर तपस्या करते हैं। जाओ तुम्हारा काम सिद्ध होगा। हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंचता है तो बाबा 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे, 3 महीना सोए हो गया, 3 महीना बाकी है। तब तक पहुंच करके बाबा बाबा करके आवाज देता है, बाबा नहीं बोलते हैं। तीनदल समझ गया कि चाचा रुदल के कादर बनाए के आयल हई, तो ये नहूं से क्यों बता दे, तो हमें देख के इस सूत के नखड़ा बन गए। बाबा नखड़ा के लिए जीव ना छोड़ो। पकड़ टंगरी तो साधु बाबा के तो बाबा जी के चरणवा पूजई हो लागल। बाबा जी के चरणवा पूजई हो लागल। लड़का सोचलस की कोनो तपस्या में हो, एकर सेवा करब चाहे 20 बरिस बीती जाए, देखी कै साल ना जागल। वो कसम खा गेल, बाबा का सेवा करे लगल। कुटी गिरे लहल छा धले, फूलों का हार बना के पहनावे चरण दबावे। 3 महीना जब सेवा कर ले बाबा पूर हो गए भक्ति, तो बाबा सो के उठते हैं, कहते बेटा कितना दिन से आओ। इंदल कहा 3 महीना। बाबा पीठ ठोक के कहते बेटा धन है तेरे साहस को, मांग ले। एक दिन मांगना सड़क की तरई, एक दिन मांगना बांसुनाग, इसके अलावा जो मांगोगे अभी अभी मैं दूं। मंगा, मिनट सेकंड नहीं बीतेगा, पलक भजते भजते मैं तुझे मंगा दूं जो सामान चाहते हो। इंदल कहा वाह बाबा, मुझे सर की तरी नहीं चाहिए, न बासु नाग चाहिए। इस धरणी पर एक बूटी का पेड़ जमा हुआ है, उसी को लाने के लिए जा रहा। दोगे
बाबा बेचारे का जाने कि बूटी की पेड़ आने जात हो कि मेहरी आने जात हो। तो बाबा भोले भाला कहे कि वो बूटी पेड़े के नाव का हो। इंदल कहे बूटी पेड़े के नाव बताई तब की पहले ही बता दा साधु हवा सवाधु हवा तब साधु हवा कह सवाधु हवा ना कब। बाबा बिगड़ के खड़े हो गए कि 75 बरस की उम्र हमारी हमें बाल ब्रह्मचारी जादू का डंडा मेरे संग दुश्मन को ठंडा देता बना जादू की झोली मेरे संग जिसको चाऊ लो मंगाए उड़न खराऊ मेरे संग हो को बैकुंठ दे पहुंचाए इंद्र परी बैठल मंगवाए दो कौन चीज कह कमती। इंदल कहे बस बाबा उ बाबा समझ गए करे बाप रे बाप परी चाहत बड़की बूटी मेहरारू खातिन जात। बाबा कहले परी के नाव का इंदल कहे परी के नाव बताई तब की तीन दाई क्रिया खा। बाबा सौ सौ क्रिया पुजारी बाबा खा ले गवारी के पकड़े बाछिया के देखा तो मैं कि बछिया के पोंछ पकड़त हूँ कि गाय के पोंछ पकड़त हूँ मैं इनकर देखा। लेकिन शंकर के पिंडी लेके बाबा कसम खा गिले तब इंदल दोहे से जवाब देता है कि जो विध जन्म दियो करुणा सुत सो सुख संपत्ति देहु विधाता खाने को अन्न नहाने को गंग चढ़न को तुरंग ओढ़न को दुसाला पान पुराण सुहागन को एक गोद खिलावत सुंदर बाला हे बाबा बर मांगत हूँ मुहे दो मृगी नैनी की दो मृग छाला। बाबा कहते बुझनी मत बुझाओ बताओ। तब इंदल कहता है रो रो के बाबा अरे संगल दीप छूटा इधर महोबा भी छूटा आज दुनिया से बब नाता मेरा टूटा दर्द भरे हैं मेरे दिल के जो जाए तो है माँ तू हमारी हमको ताना तुम्हारा है इसलिए बाबा तेरे पास में सिधारा है दमाए सुनो ना ये मर्जी तुम्हारी है अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। अरे डोलिया मिलादा पद्मावती से भेंट करादा दिल का बाबा हमारे दुखड़ा मिटा दाओ मांगे रहा हूं अरे मांगे रहा हूं यही बरदाए बाप तब ले गाड़ा बड़ा हो गए तो बाबा के दावे 90 डिग्री बाखर। बाबू जब संगलदीप का नाम साधु बाबा सुन ले तो थर 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 सर थर 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 साधु बाबा का पहन गोटिये में छुल छुल चुहेला पीसा। बाबा के कहते छल छल मुतत रहे देखत रह बुढ़ऊ के तमाशा देखा और नीचे गर्दन जब लटका ले बाबा तीनदल कहत का हो बाबा गुम हो गईला बहिर हो गईला खोखी कांखी के बाबा बोलने ई गह मुरे मान के नहीं। तब ऋषि आय के इंदल कैलस का पकड़ ले लई घघवा बाबू साधु बाबा कह तो ढोरिए पधई के दाद सतलवार अरे ले दबुख ते गवा पार होई जईदा तो साधु अफादु तू है बाबा कहाँ है बाप रे बापा से वो कराए रे ससतिए बाए। बाबा हाथ जोड़ के कहे बाबा कहते हैं कि बचवा तू हमार घर जान छोड़ दा तुम्हें वरदान दे कहे पहले वरदान दे। बाबा कहे तनी घेघा ढील कह दे सांस लेवे दे। इंदल कहे नकुरा से बोलल करा नकुरा से सांस लिहल करा मुंह से बोलल करा घेघा छोड़म ना बाबा। तब धोखा कहिए साधु है क्या धोखा कमाए लगल बाबू इन ले के दूर पे पठावे लगल। कहले बेटा मेरी वही कुटी देख उसी में जा राम कमाला मृग छाला उड़न खराऊ उठा लिया तो के साधु बनाए उड़न खराऊ बैठा पद्मावती रानी के पलंगे पहुंचा दे छोड़ के ललन पिछोड़ भैले बाबा धरती में घसा घस धस लगल। जब ले लड़का पलटे पलटे बाबा पूरी शरीर धस गई प्रेमियों धरती में। इंदल आके कहते बाबा 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 को पता है ना जब जगह है देख ले।